हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल माई क्लासिक टिप्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई दूसरा टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, जो कि आप अपने यूट्यूब पर भी बहुत सी वीडियो देखे होगी, जैसे कि NCS का नो कॉपीराइट म्यूजिक जो होता है, उसमें जो आप वेजुलेशन का एनिमेशन देखते हो, या फिर आप कोई भी म्यूजिक को सर्च कर देते हो तो वहाँ आपको कुछ वेजुलेशन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वो बंदे किस तरीके से ये करते हैं इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ये वीडियो आखिर तक एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर से अवी प्लेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस आइकॉन को आपको अच्छे से देख लेना है, अवी प्लेयर प्ले स्टोर से सर्च कर लेना है। जैसे कि दोस्तों, अवी प्लेयर के बहुत ऐसे वर्जन है जो कि आपको शायद पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा बाद में तो मुझे पता चला है यूट्यूब से। जैसे कि दोस्तों, अवी प्लेयर में जो कि काफ़ी वर्जन है, उनमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट है। जो नया वर्जन है तो आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं अवी प्लेयर बेस्ट वर्जन, और आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ ओपन कर देना है। जैसे कि आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ सब कुछ आपके फाइल में जितने भी सॉन्ग्स है यहाँ पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आपको उसी सॉन्ग्स को यहाँ सिलेक्ट कर जाना है, जैसे कि दोस्तों आपको वो से वेजुलेशन एनिमेशन देना है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और एक बार आपको इसे स्लाइड कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि वेजुलेशन इफेक्ट यहाँ ऐड हो चुका है उस सॉन्ग्स पे। तो दोस्तों, यहाँ आपको मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ जो बॉक्स है, इस बॉक्स पर क्लिक करके आप वेजुलेशन इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। दोस्तों देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप यहाँ से रख सकते हैं वेजुलेशन इफेक्ट। सभी इफेक्ट जो है काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी हद तक, और आप इसमें बहुत से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं इसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाद में जो है दोस्तों, आप यहाँ से पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे ऐड प्रोवाइडर है, यहाँ से जो है आप एक नंबर पे देख सकते हैं सैंपल प्रोवाइडर, मतलब आपको जो है यहाँ से स्पेक्ट्रम रखना है या वेब फॉर्मर रखना है, मतलब ये जो एनिमेशन कर रहा है उसे आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं उसे ही रहने देता हूँ। और सैंपल आउट काउंट जो है, इस पर क्लिक करके आप पीछे से जो वाइट डॉटेड लाइन डॉटेड ऐसे आ रही है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से वो एडजस्ट हो रहे हैं, इसकी साइज और इसकी काउंटिंग, मतलब किस कितने आपको काउंट चाहिए ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैं इसे बीच पे रहने देता हूँ, और बाद में यहाँ मिरर है, सब कुछ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे भी इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ हफ्ता ही हो गया इसके बारे में। मैं इस पर एक मेरे चैनल पर पहले से ही एक दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जब मैंने चैनल खोला था तो मैंने इसी ही वीडियो को बनाकर अपलोड कर दिया था, लेकिन दोस्तों वो काफ़ी पुरानी बात है, इसलिए मुझे अब इतनी अच्छे से याद नहीं रहा है। तो आप यहाँ से सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप इमेज पर क्लिक करके आप जो है इसका बैकग्राउंड इमेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद कस्टम इमेज पर क्लिक कर देना है, एंड देन आपको यहाँ से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पिक इमेज करके आप यहाँ से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आप लोगों को एक इमेज सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता चलेगी किस तरीके से जो है आप इसमें फोटो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इसे बैकग्राउंड में जो फ़ोटो है वो डाल दिया है, लेकिन वो फ़ोटो फुल HD नहीं था, इसलिए आप लोगों को शायद वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा सा फ़ोटो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार पेंसिल पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ से
काफ़ी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। पार्टिकल्स का ऑप्शन है, पार्टिकल्स के ऑप्शन में जाकर आप उस वहाँ से सब कुछ पार्टिकल्स चेंज कर सकते हो। और जैसे कि दोस्तों ये ऊपर नीचे ऐसा वेजुलेशन हो रहा है, तो उस वक्त होते वक्त तीनों एंगल में जो एंगल है वो इसमें आपको देख सकते हैं, ऊपर और बाजू में दोनों, राइट एंड लेफ्ट में आप देख सकते हैं जो लाइट चमक रही है वहाँ आप फोटो भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे लगा सकते हैं। और दोस्तों नीचे आने के बाद यहाँ से इमेज पर क्लिक करके आप यहाँ से इमेज भी आप रख सकते हैं। बीच में इमेज आपको जो कोई रखना है तो आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ से पिक इमेज पर क्लिक करके आप लोगों को कुछ रख के दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फुल HD वॉलपेपर यहाँ पर सेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपरली आप लोगों को वेजुलेशन इफेक्ट दे रहा है। दोस्तों पीछे का जो बैकग्राउंड है आप उसे भी हिला सकते हैं, मतलब उसमें भी आप वेजुलेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत सी सेटिंग करने पड़ती है, तो आप उस तरीके से जो है इसमें सेटिंग कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी कुछ फाइल्स भी आती है जो कि एनिमेशन होती है, तो आप YouTube पर सर्च करके उसे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ से इस पर क्लिक करके, यहाँ से आप लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक करके आप जो भी फाइल आपने डाउनलोड की है वहाँ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो वो फाइल आपको यहाँ पर शो होगी और आप उसमें वेजुलेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी हद तक ये एप्लीकेशन अच्छी है। तो सब कुछ होने के बाद आप उसे सेव करना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो आइकॉन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको मैं बता दूं कि इसमें सेव करते वक्त बहुत सी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, क्योंकि वो रेंडरिंग नहीं होता, एक्सपोर्ट ही नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आपको 720 पर क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों आपको कोई अलग वर्जन है तो उसमें अलग हो सकता है, मेरे पास अभी जो वर्जन है उसमें यही आपको लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो 720 करने के बाद फिर आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो म्यूजिक है वो अपने आप प्ले हो जाता है, और प्ले होते होते आपका जो है मतलब रेंडरिंग चालू हो जाता है। तो दोस्तों मेरा भी फिलहाल अभी चालू हुआ था बैकग्राउंड में, मैंने अपने वो म्यूजिक का वॉल्यूम जो है कम कर दिया। तो दोस्तों यह देख सकते हैं रेंडरिंग हो रहा है। तो दोस्तों इसे कुछ समय लगता है रेंडरिंग होने में, और रेंडरिंग होने के बाद आपको फाइल में सेव हो जाता है। तो दोस्तों मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरीके से जो है अपने फाइल मतलब अपने म्यूजिक में वेजुलेशन इफेक्ट डाल सकते हैं अच्छे तरीके से, और उसे आप यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हो या फिर अपने पास रखना चाहते हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका म्यूजिक का चैनल है तो आपको बता दूं कि आप इसमें से बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इसमें वेजुलेशन इफेक्ट डाल सकते हैं स्क्रीन पर, म्यूजिक पर, और आप उसे यूट्यूब पर अपलोड करके कर सकते हैं, और लोगों का नज़रिया भी अच्छा दिखेगा इस देखते वक्त, क्योंकि आप हेडफोन यूज़ करते हो या फिर कहीं भी यूज़ करते हो, जैसे कि वेजुलेशन इफेक्ट में बहुत अच्छा इफेक्ट डाल देते हो तो आपको जो है वह काफ़ी हद तक व्यू जो है अच्छे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है अपने म्यूजिक में वेजुलेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस वेजुलेशन इफेक्ट डालने के लिए बहुत से ऐसे एप्लीकेशन बने हैं, लेकिन दोस्तों ये जो का एप्लीकेशन है तो बेस्ट लगा मुझे। और आपको बता दूं कि ये हार्ड भी नहीं है चलाने के लिए, सिंपल सा है, सिर्फ आपको कुछ एक दो बार इसे यूज़ करने के बाद आपको जो है थोड़े बहुत इसके बारे में नॉलेज आ जाएगा, और आप इसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं अपनी वीडियो को एडिट करने में, मतलब आपको वेजुलेशन इफेक्ट डालने में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते रहता हूँ, जैसे कि यूट्यूब के कुछ अपडेट हो या न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स हो, एप्लीकेशन हो, रिव्यू हो, या किसी चीज़ का अनबॉक्सिंग हो, कोई भी आपको अपडेट मैं देने के लिए मिस नहीं करता। सभी अपडेट जो है मैं आप लोगों को टाइम्स पर देता रहता हूँ, और हर रोज़ मेरी एक वीडियो तो अपलोड होती रहती है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, एकदम फ्री होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को, अब वीडियो चल रहा है इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।